अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट कॉलेज जाऊंगी। 100 रुपए मिलेंगे महीने के। क्या? मैकडॉनल्ड्स में तो बच्चे जाते हैं। हम मॉल जाएंगे, घर पे अच्छा खाना खिलाते हैं। चलो 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 परी, चलो उठो उठो, स्कूल जाना है। मुझे नहीं जाना सर। अरे मुझे नहीं जाने का क्या मतलब है, चलो उठो, आज फर्स्ट डे स्कूल का, चलो जल्दी उठ जाओ। अरे मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट कॉलेज जाऊंगी। अरे इस लड़की को कौन समझाएगा, कॉलेज जाने के लिए भी तो स्कूल जाना जरूरी है। परी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। अरे मम्मी चले जाओ ना, आपकी वजह से मेरे पीटीएस वाले चले जाएंगे ना। हाय पीटीएस, आप मुझे अच्छे लगते हो। I purple you. मम्मी अपने बच्चे को कौन है झूठाता? अभी तो तुमने मुझे कहा कि मैं बच्ची नहीं रही, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। I purple you. बहुत बुरे लग रहे। परी, परी भैया। मम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ओ मम्मी, ये सब क्या है, तुम ऐसे जोकर बनके क्यों घूम रही हो? मम्मी ये BTS ट्रेंड है, शायद आपको पता नहीं होगा, ओल्ड लेडी ओल्ड फैशन। अच्छा हमको सिखा रिया है। तुम ना अपना ये हुलिया ठीक करना, नहीं तो तुम्हें मैं दूंगी BTS। BTS? Oh, what is BTS? 10 थप्पड़ मार के मुंह सुजा दूंगी तुम्हारा। मामा, it's not BTS, it's BTMS. रुको रुको। तो फ्रेंड्स ये है मेरी मम्मी और मेरी मम्मी मुझे 10 थप्पड़ मार के मुंह सुजाने वाली है। तो अगर आपके साथ ये हुआ होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। पापा, पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए। क्या समझी? यही कि आपने नीले कलर का कच्चा पहना है। ये पॉकेट मनी क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे पार्टी करनी होती है दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जाना होता है, शॉपिंग करने के लिए, इसलिए मुझे पॉकेट मनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, तो तुम्हें आज से 100 रुपए मिलेंगे महीने के। क्या? 100 रुपए? यस। वाह 100 रुपए पापा, 100 रुपए का जमाना चला गया, कोई 100 रुपए यूज नहीं करता। अरे 100 रुपए में हमारे जमाने में क्या क्या आता था, हमें तो पॉकेट मनी के नाम पे चवन्नी मिलती थी। चवन्नी? चवन्नी? हाँ। वो क्या होता? चवन्नी नहीं पता तुम्हें? नहीं। ये आजकल के बच्चे, इन्हें चवन्नी की वैल्यू नहीं पता और 100 रुपए मांग रहे हैं। 100 रुपए की भी वैल्यू नहीं होगी, तुम्हें क्या करोगे आगे जाके, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे पापा फिर से पकाना शुरू कर रहे हैं, भागो यहाँ से। बहुत टेंशन आ रहा है परी, तुम्हारा क्या चली गई? जाने दो, 100 रुपए तो बच गए। अगर मैं ऐसे स्कूल में जाऊंगी ना तो सब लोग मुझे हंसेंगे, क्या करूं मैं, समझ में भी नहीं आ रहा। आइडिया, यस। तुमको पता है मेरे घर के बाहर इतना बड़ा हाथी अंडा दिया? ओह माय गॉड, हाथी से डायनासोर निकला। हेलो हेलो, हाय गाइस, तुम लोगों को पता है समर वेकेशन में मेरे इंस्टाग्राम पर 1K फॉलोअर्स बढ़े। वन के? ये तो कुछ भी नहीं, कल ही मेरा यूट्यूब का एक वीडियो वायरल गया है। वायरल?
और मुझे कभी भी हॉलीवुड से ऑफर आ सकता है। रेबो मेरा ऑटोग्राफ ले लो चाहिए तो। हाँ हाँ वॉच एवर। मेरे तो 100 फॉलोवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। कुछ बोला परी? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे आज कुछ प्लान है क्या? हाँ आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है हमारा, इसके लिए हम सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करना चाहते हैं। मैकडॉनल्ड्स में तो बच्चे जाते हैं। हम मॉल जाएंगे। मॉल? अच्छा ठीक है चलेगा। मुझे तो लगता है मेरी पूरी पॉकेट मनी आज ही खत्म होने वाली है। क्या परवी? एनी प्रॉब्लम? नो। कहीं तुमने हर बार की तरह बैंगन की सब्जी तो नहीं लाई? नहीं नहीं बैंगन की सब्जी कौन खाता है? मैंने नहीं लाई, मैंने तो टिफिन ही नहीं लाया। देखो मैं कौन से विषय सिखाता हूँ आप लोगों को? हिंदी। क्या बोलेंगे? सुप्रभात बोलेंगे। सुप्रभात। सुप्रभात। और तुम ये कौन सा अभद्र अवतार बनाकर आई हो तुम? तुम लोगों ने अगर अभी के अभी अपने अवतार ठीक नहीं किए तो मैं तुम्हें आने वाले परीक्षा में 0 गुण दूंगा। अब ठीक है। तो मैंने कल तुम लोग को निबंध लिखने को कहा था अपने प्रिय खिलाड़ी पर, और तुमने किस पर लिखा है निबंध? माय फेवरेट रोनाल्डो सिंह धोनी। रोनाल्डो सिंह धोनी? कौन है रोनाल्डो सिंह धोनी? दर्जी है। दर्जी? क्या बोला था? हमारे कपड़ों के साथ खेलता है। कपड़ों के साथ? मैंने बोला था किस पे लिखना है। दर्द हुआ क्या? मेरे जैसे को दर्द नहीं होता। मम्मी ज्यादा मजा आता है एक तो ऐसे क्लब में और मंदिर के भंडारे में। पार्टी करके मजा ही आ गया ना यार। मैं कहीं देखेला लगता है। ओह माय गॉड एलियन जैसा। सॉरी डैडी। ओह नो हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे। अरे गुड्डी कितना झूठ बोल रही है। अंकल मैं बताती हूँ हम लोग पार्टी करने के लिए गए थे। गुड्डी का ही प्लान था वो मुझे कि मेरी मम्मी सड़ा नहीं डैडी। अरे चुप बैठो। सड़ा हुआ खाना खिलाती है मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए बोले कि हम बाहर खाने के लिए जाते हैं डांस करते हैं इसलिए हम गए थे। चलो ना हम आओ फिर से जाते हैं। चलो चल पार्टी। कोई बात नहीं है हम स्टडी कर रहे थे। स्कूल का बंक मार के ये टाइम मेरे दोस्त बिल्लू लंगड़ का फोन है वो मुझे को ब्रेक डांस करने के लिए वापस पार्टी में बुला रहा है। क्या? तो मैं जा रहा हूँ। बाय। इन दोनों के चक्कर में तो यहाँ ही फंस गई।